से जब खेसारी लाल भी आया था ना तो एक दिन लिट्टी चोखा बेचते थे। देखो दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग गरीब फैमिली से आप लोग जो है सिंगर बनने का सपना देखते हो। आप भी चाहते हो कि यार मैं भी एक सुपर स्टार हूँ, मेरा भी गाना चले। तो यार सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके आवाज में जो है ना वो दम लाना पड़ेगा आपको अंदर। वो जो टैलेंट है ना, टैलेंट जिसको बोलते हैं, वो आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका गाना मार्केट में यार चलेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं यही समझाने वाला हूँ कि अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, जब खेसारी लाल यादव जब आए थे ना यूट्यूब पे, तो यार लिट्टी चोखा बेचते थे और कहीं पे हारमोनिया बजाते थे, कहीं पे झाल बजाते थे, तो 5 रुपये मिलते थे। लेकिन उसका जो टैलेंट है ना, आज सुपर स्टार यानी कि पूरे वर्ल्ड में गाना सबसे ऊपर में रैंक करता है। तो आप लोग सोचते रहेंगे कि यार मैं गरीब हूँ, मेरा गाना चलता नहीं है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंदर में वो टैलेंट लाना पड़ेगा, आपको वो टैलेंट भर भर के लाना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव जब अपने स्टेज शो करते थे तो बोलते थे कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये तो मौका है। लेकिन आज आप देख सकते हो, वही एक लड़का जो भैंस चराते थे यार, भैंस चराते थे पुआरा पे, मतलब पुआर पे सोते थे, लेकिन आज देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में पूरे नंबर 1 पे रैंक करते हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसे ना सोचो कि यार मैं वायरल नहीं होऊंगा। होगे, आपका समय आएगा, एक ना एक दिन जरूर बनोगे सिंगर। लेकिन आपके पास पहले मेहनत करो, रियाज करो, एक ना एक दिन आप अगर मेहनत करते रहोगे ना यार, सफलता जरूर मिलता है। इस फील्ड से नहीं, अगले फील्ड से, कोई भी फील्ड से आप जरूर आगे बढ़ोगे।